बस कड़ी बनाने की तैयारी हो रही है। इधर कड़ी बन रही है, इधर मैंने अपने जीरा राइस बनाए हैं और उधर मैंने पकौड़ी भी बना ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट कड़ी बनाते हैं। आज बच्चों की इच्छा भी थी और मौसम भी कुछ ऐसी था। अब सबको ज्योति जैन का जय जिनेन। चलिए फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है, मैं अभी घड़ी देख के बताती हूँ आपको, 12:15 बज रहे हैं और आज आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए फ्रेंड्स। आपके ब्लॉग में, आपके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। फिलहाल मैं कड़ी बना रही हूँ। सुबह क्या हुआ फ्रेंड, जब मैं उठी, कई दिन से फितूर हो रहा था मुझे कि मेरे को कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा, मतलब रोज के मैं हाथ से ही धो रही थी। आपको पता था ये कुछ भी जैसे कपड़े वगैरह जो हाथ से नहीं साफ होते वो नहीं होते। तो फिलहाल मैंने सुबह आज मशीन लगा ली अपने कपड़े धोने की और मैं कपड़े धोने में लग गई। 1.5 घंटा लगा मुझे कपड़े धोने में। फिर कपड़े धोने के बाद मैंने पूरे घर की संभाई करी, डस्टिंग करी, सफाई करी, किचन को क्लीन किया। उसके बाद मैंने कड़ी बनानी शुरू करी। तो कड़ी में थोड़ा टाइम है, खदक रही है, वैसे प्रॉपर वो पूरी बन चुकी है। तो आज मैंने लंच में बनाए हैं कड़ी चावल। मेरे हस्बैंड सवेरे 7 बजे के गए हुए हैं ऑफिस, अभी तक आए नहीं है वो। और बेटा मेरा 9:30 बजे चला गया था, नाश्ता करके गया, तो उसकी तरफ से तसल्ली है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं खाया है। 12:15 बजने को आ रहे हैं तो ये तो आते ही खाना मांगेंगे। तो इसलिए मेरा लंच तैयार हो चुका है, चावल बन चुके हैं, फुलके हैं सिके हुए और कड़ी भी तैयार है मेरी। कपड़े, हाँ फिर क्या हुआ सुनो, आपने पूरी बात नहीं मेरी, मतलब सुनाई नहीं मैंने आपको। कपड़े धो लिए मैंने, बारिश आ गई बहुत जोर से, बताओ। आज मशीन लगाई मैंने कितने टाइम बाद, और वो भी उसके बाद बारिश आ गई। सोचो मुझे कितनी प्रॉब्लम हो गई। तो फिलहाल मेरे सारे कपड़े घर में सूख रहे हैं, पंखे के नीचे, कोई इस दरवाजे पे, कोई उस दरवाजे पे। तो इस तरीके से मैंने कपड़े सुखा रखे हैं, मतलब मुझे काम बढ़ गया आज। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इनकी लंच की तैयारी करके उसके बाद इन सबको, अभी टाइम है लेकिन कड़ी में तड़का रह रहा है तो फिलहाल मैं तड़का लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने तड़के की तैयारी कर ली है। वो मेरा घी गरम हो चुका है अच्छी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, तड़का लगाते हैं कड़ी में। मेरी कड़ी कितनी अच्छी खदक रही है। इधर मेरा तड़के की तैयारी है, इधर मेरे राइस भी बन के तैयार है, फुलके मेरे सिक चुके हैं और खाने वाले इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, इधर मैं थोड़े सूखे आलू बना रही हूँ, इधर चावल फ्राई कर रही हूँ। चावल फ्राई, मेरी बेटी को नमकीन चावल बहुत पसंद है, ज़्यादा करिए प्लेन चावल जो मैं बनाती हूँ वाइट वाले, वो ही नमकीन चावल बनाती है। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट नमकीन चावल बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुछ है, हिमाचल स्वीट लाइन में होगा ना चकोतरा। अच्छा, इसमें टर्मरिक स्वीट वाली टर्मरिक भी है, टैमरिंड, इमली, वो कौन सी होती है? अरे इमली, मीठी इमली। अब ये ड्रैगन फ्रूट भी आता है, वो थाईलैंड का है। ड्रैगन फ्रूट, हाँ वो थाईलैंड से आता है, थाईलैंड, इंडोनेशिया सब जगह, चाइना वाइना सब जगह उगाते हैं। अब ये वाली पियर जो है ये साउथ अफ्रीका की है, ये 248 रुपये की है। ये एक्सपोर्ट में रुपये लग जाते हैं ना सारे, बेसिकली रुपए सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं, एक्सपोर्टिटी भर देते हैं। मिनी ऑरेंज, मिनी ऑरेंज आता है तरतस, ये शायद वहाँ का है, माल्टा यूएस, क्यूबा वगैरह का, न्यूजीलैंड की, ये बड़ी न्यूजीलैंड की कीवी है। हाँ, आयरन, आयरन की कीवी है। वैसे इनके बाहर के भी प्रोडक्ट होते हैं लेकिन वो महंगे होते हैं, तो बाहर से एक्सपोर्ट कर देते हैं। कब गई थी? मंगलवार को गई थी लास्ट। मुझे ले चलती अपने साथ, ठीक है? मैं आपको बता दूंगी, बस जा रही थी, सिर्फ आना जाना बन गया, ट्रैफिक में टाइम चला गया सारा। अरे तो ले यार, किट्टी में हो आप? मैं नहीं हूँ, मेरी सिस्टर है, तो सीटें थी 2-3 एक्स्ट्रा। अरे तो मुझे भी ले चलती एक बार, तो पूछती, अगली बार आपको बता दूंगी। मैं अपनी बहन से भी मिली आती, वो तो ऋषिकेश रहती है, वो आ जाती हरिद्वार में। सुबह जाना था, रात को आ गई होंगी। हाँ सुबह 4 बजे निकले थे। हाँ तो ले चलती मुझे भी। नहीं सेल में नहीं है, रेट ही है। चलिए फ्रेंड्स, शाम के
8 बज रहे थे और ये ऑफिस से आ चुके थे। बस अपनी मुँह हाथ पैर धो के अपनी दियाबाती करके इन्हें भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से। तो फिलहाल आते ही सबसे पहले इन्होंने पूजा वगैरह करने के बाद फिर अपने खाना खाने लगे थे। बड़े वाला बेटा भी नहाने गया हुआ है आते ही, तो बस जैसे ही वो आता है तो वो भी बस खाना वगैरह खाता है। कितना सड़ा हुआ कमरा बना रखा बेटा तुमने अपना, कमरा साफ करो।